जिला जनपद दुर्ग में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित सामानों से सजा सी मार्ट, जिसका गृह मंत्री ने किया शुभारंभ। स्व सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा एक कदम और बढ़ाते हुए दुर्ग जिले में जिला जनपद में सी मार्ट की स्थापना की गई है। सोमवार को जिला पंचायत के प्रांगण में प्रारंभ हुए सी मार्ट का प्रदेश के गृह मंत्री दामोदर साहू ने विधिवत फीता काट कर लोकार्पण किया और स्व सहायता समूह की महिलाओं के निर्मित सामानों की खरीदी कर सी मार्ट के पहले ग्राहक बने। इस मौके पर प्रदेश के गृह मंत्री दामोदर साहू ने कहा कि सी मार्ट की स्थापना का उद्देश्य स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा निर्मित किए जा रहे गृह उद्योगों को मंच प्रदान करना है, जिसके माध्यम से वे घरेलू उत्पादों को सी मार्ट के माध्यम से बेचकर आत्मनिर्भर बन सकें। वहीं इस उद्घाटन अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद रहे, जिन्होंने सी मार्ट के खुलने पर स्व सहायता समूह की महिलाओं को शुभकामनाएं और बधाई दी। इस संबंध में न्यूज टीम को राज्य के गृह मंत्री तामधर साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। करीब 3.5 वर्षों में हमारी सरकार बनने के बाद हमारी कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रणनीति अपनाई, उसका परिणाम ये रहा कि नक्सली एक बहुत छोटी जगह तक सिमट के रह गए। आप देखेंगे इन 3.5 वर्षों में सर्वाधिक नक्सली मारे गए हैं, सर्वाधिक नक्सली सरेंडर किए हैं और नई भर्तियां लगभग बंद हो गया। एक आध बार कभी कभी एक आध घटना करते हैं नक्सली लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की, पर आप देखेंगे हर 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीना दिन में किसी भी प्रकार से मीडिया में या प्रेस में कोई बातें नहीं है। तो अच्छा है, ये तो छत्तीसगढ़ की उपलब्धि का बात है कि केंद्र सरकार ने इसको नक्सल मुक्त जिला घोषित किया, ये हमारे लिए खुशी की बात है, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशी की बात है। ये एक माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक बड़ा ये कॉन्सेप्ट है कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, कोशिश ये करना कि हमारे छत्तीसगढ़ के जनजीवन से जुड़ा, ग्रामीण अंचल से जुड़ा, शहरी अंचल से जुड़ा जो पुराना हमारा रहन सहन, जीवन यापन करने का तरीका, खान पान का तरीका, उन सब चीज़ों को पुनः सामने किया गया। महिला स्व सहायता समूह को प्रेरित किया गया, महिलाएं काफ़ी सक्रिय रूप से ये सब काम कर रही हैं। इतना जरूर कह सकते हैं कि केमिकल वाला नहीं रहेगा, ये शुद्धता रहेगा, चाहे जो भी चीज़ उत्पाद हो रहा है इसमें बनावटी या मिलावटी वाला कुछ नहीं होगा। इसलिए अब वो बनाते हैं तो जब तक बिक्री ना हो तो फिर उनका नर्वसनेस आता है, बना नहीं पाएंगे। इसलिए एक तैयार किया गया सी मार्ट का नाम, तो सी मार्ट मीन्स छत्तीसगढ़ मार्ट, और इसमें जितनी भी महिला समूह हैं अपने उत्पाद को लाएंगे, उनका जो घर है उसको बताएंगे अपना प्रॉफिट, फिर बाकी प्रॉफिट लेकर ये लोग कोई भी मार्केट में जो केमिकल युक्त मिलता है उससे ये सस्ता ही पड़ेगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और सभी दृष्टिकोण से, घर के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं करता हूँ, हम भी कभी कर रहे हैं भिलाई में, जैसा अभी कलेक्टर साहब बता रहे थे 10,000 स्क्वायर फीट का वहाँ पे देख रहे हैं, और राज्य स्तर से संचालित होगा, ये पर्याप्त नहीं होगा तो फिर बड़ा भी किया जा सकता है, इसका भी प्रारंभ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।